तो जब से हमने पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 कंप्लीट किया है तब से आपकी कंटिन्यू बेसिस पे डिमांड आ रही है कि हम सीजन 2 कब से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपका वेट खत्म होता है, सीजन 2 आज ही से स्टार्ट हो रहा है। आज के वीडियो में हम सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड बाकी के एपिसोड भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। इससे पहले अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बन के रेडी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। सीजन 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। कैंपबेल ने ग्रेस पे गन पॉइंट कर दी थी और हमें गन शॉट की आवाज सुनाई दी थी। हमें लगा था कि कैंपबेल ने ग्रेस को शूट कर दिया है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेस ने अपने बैग में एक गन छुपा रखी थी एंड वो कैंपबेल के पैर पे शूट कर देती है। मतलब कि जो गन शॉट की आवाज हमें सुनाई दी थी वो कैंपबेल ने नहीं बल्कि ग्रेस ने कैंपबेल को मारा था। एनीवेज इसके बाद ग्रेस ट्रेन में बैठ के लंदन के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब 2 साल बीत चुके हैं, तभी यहाँ 2 लेडीज बेबी ट्रोलीज लेके गैरिसन पब के पास जाती हैं एंड उन्हें दरवाजे के पास रख के वहाँ से भाग जाती हैं। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा पब उड़ जाता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि पैंडेमिक के चलते फ्रेडी की डेथ हो चुकी है। इस पे टॉमी आके एक स्पीच देता है। वो कहता है कि फ्रेडी का ब्रदर इन लॉ बनने से पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके मरने के बाद मैं उसकी ग्रेव के पास आके एक स्पीच दूंगा एंड ये प्रॉमिस उसने किया था जब वो लोग वॉर में थे। इसके बाद टॉमी एडा से बात करने लगता है। वो उसे कन्विंस करने लगता है बर्मिंघम वापस आने के लिए, लेकिन एडा वापस नहीं आना चाहती थी। फिर आंट पॉली यहाँ पे आती हैं और वो भी एडा को कन्विंस करने की ट्राई करती हैं, बट एडा उनकी बात भी नहीं मानती। टॉमी कहता है कि मैं हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाला हूँ और ये काम नो डाउट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन एडा वापस आने से मना कर देती है और वो कहती है कि अब ना तो मैं शेल्बी हूँ और ना ही थ्रोन, अब मैं टोटली फ्री हूँ, अपनी मर्जी की मालकिन। टॉमी आंट पॉली से कहता है कि आप एडा की टेंशन मत लो क्योंकि मैंने अपने कुछ आदमियों को उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ रखा है। फिर आर्थर यहाँ पे आके टॉमी को गैरिसन पब के इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर भी होता है। इंस्पेक्टर कहता है कि किसी ने भी ये धमाका होते हुए नहीं देखा है। टॉमी उसे रिश्वत देते हुए कहता है कि सबको बता दो कि ये गैस लीक होने की वजह से हुआ है। तभी आंट पॉली को ब्लास्ट के कुछ प्रूफ मिलते हैं और वो ये टॉमी को दिखाते हुए पूछती है कि आखिर हमारे साथ ये कौन कर सकता है। इसके बाद टॉमी जाता है ब्लैक लायन पब में, द वन एंड ओनली पब जो कि गैरिसन पब को टक्कर दे रहा था। यहाँ पे एक बच्चा आता है और पूछता है कि तुम सब में से पीकी ब्लाइंडर कौन है। आफ्टर दैट वो थॉमस को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे 2 लोग टॉमी को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पीकी ब्लाइंडर्स के गैम्बलिंग एरिया में। यहाँ पे जॉन पॉली से जाके पूछता है कि टॉमी कहाँ पे है। पॉली बताती है कि वो ब्लैक लायन पब में गया है। जॉन कहते हैं कि वो अकेला क्यों गया, बिकॉज वो जगह पीकी ब्लाइंडर्स के लिए खतरनाक है। पॉली कहती है कि वो सब कुछ अकेले ही करता है। फिर जॉन उनसे कहता है कि एडा हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है, वो हमसे नफरत करने लगी है। पॉली कहती है कि तुम जरा भी टेंशन मत लो, वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगी। अब वो पूछता है कि हमारे पब का ये हाल आखिर किसने किया। पॉली कहती है समय आने पर पता चल जाएगा एंड इसके बाद वो उसके सवालों से तंग आके उसे बाहर भेज देती है। ऑन द अदर हैंड टॉमी को ये लोग अंदर ले आते हैं और उसके फेस से वो कपड़ा हटा देते हैं। उसके सामने एक लेडी और एक आदमी बैठा होता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्ही ने मेरे पब का ये हाल किया। इसमें वो लेडी अलग ही बकर बकर चालू कर देती है। टॉमी भी उसे सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो आदमी गुस्से में टॉमी के पास आता है और उसे गन से डराने की ट्राई करता है। तभी टॉमी उस लेडी से कहता है कि तुम्हारा नाम आइरीन डोनल है और तुम्हारा एक बच्चा है जिसका नाम सैन है एंड फिर वो उसकी सारी कुंडली बता देता है। ही जस्ट वांट टू प्रूव कि अगर इन्होंने उसके साथ कुछ भी किया तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तभी वो आदमी टॉमी पे गन पॉइंट कर देता है बट डोनल उसे शूट करने से मना कर देती है। एक्चुअली वो टॉमी की इस बात से इम्प्रेस हुई कि टॉमी अपने एनिमीज की अच्छी खासी रिसर्च करता है। फिर वो टॉमी से एक काम करने को कहती है। अब जब टॉमी बाहर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है, बट हमें अभी ये नहीं बताया जाता है कि टॉमी को आखिर क्या काम दिया गया है। इसके बाद टॉमी इंस्पेक्टर मौसिक को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। जाने से पहले मौसिक टॉमी को इन्फॉर्म करता है कि कैंपबेल वापस आ रहा है एंड फिर वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चेस्टर कैंपबेल को। वो लंगड़ाते हुए चल रहा था जस्ट बिकॉज ग्रेस ने उसके लेग पे शूट किया था। वो गवर्नर के पास पहुंचता है और ये गवर्नर उसे बताता है कि इस बंदे ने व्हाइट कैपल में एक आयरिश एक्टिविस्ट का मर्डर किया था और ये क्लेम कर रहा है कि इसे ये मर्डर करने के लिए आपने कहा था, बट कैंपबेल इसे टोटली डिनाई कर देता है और गवर्नर से कहता है कि अगर तुमने बात और किसी को बताई तो याद रखना कि मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर को जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी यहाँ फिन आता है और आर्थर से कहता है कि टॉमी ने तुम्हें फैमिली मीटिंग के लिए बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मीटिंग में आ गए होते हैं बट टॉमी अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचा है। तभी जॉन सभी से बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड मोर देन 150 पाउंड्स कमा रही है पर डे, तो जब हम वैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं
तो हमें लंदन तक एक्सपेंशन की क्या जरूरत है। तभी वहां पे आ जाता है टॉमी। अब एस्मे यहाँ पे कुछ कहना चाहती थी एंड टॉमी उसे बोलने का पूरा मौका देता है। एस्मे कहती है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट लंदन तक एक्सपेंशन करना ठीक नहीं है बिकॉज लंदन ज्यादा रिस्की एंड डेंजरस है। वो कहती कि मैं अपने बेबी और हस्बैंड के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर टॉमी कहते हैं कि जब तक हम लोग साथ हैं हमें लंदन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हम बिजनेस को लंदन तक एक्सपेंड करेंगे और जल्दी हम जो करेंगे वो लीगल हो जाएगा, तो जिस किसी को जाना है वो जा सकता है और जो रहना चाहता है वो जान ले कि हम कल से एक्सपेंशन शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ आंट पॉली को अच्छी नहीं लगती। वो टॉमी से कहती कि तुम्हें ऐसे डिसीजन लेने से पहले मुझे बताना चाहिए। अब टॉमी सेफ खोलने लगता है बट पॉली ने कॉम्बिनेशन बदल दिया है। टॉमी उसे कॉम्बिनेशन मांगने की बहुत ट्राई करता है बट वो कॉम्बिनेशन नहीं देती। तो टॉमी पॉली को अपना सारा प्लान एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे वो लोग अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे इन लंदन। लेकिन फिर भी पॉली को डर लग रहा था कि कहीं इन लोगों को कुछ ना हो जाए। आफ्टर दैट टॉमी जाता है लिजी के पास और उसके साथ इंटीमेट होता है। पेमेंट करते टाइम लिजी कहती है कि मैं चाहती हूँ बस एक बार तुम मुझे इसके लिए पे ना करो। फिर टॉमी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आंट पॉली को जो कि जिप्सीज के पास जाती है। एक्चुअली ये लोग जादू टोने जैसी चीज कर सकते हैं। तो पॉली उस लेडी को बताती है कि उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया गया था। उसके बच्चों में से एक बेटा और एक बेटी थी। आजकल उसके सपनों में एक लड़की आ रही है जिसकी आंखें काली हैं जस्ट लाइक हर एंड उसकी एज है 18। अब गौर करने की बात यह है कि उसकी खुद की बेटी की एज भी 18 ही होगी अगर वो अभी तक जिंदा है तो। सो शी जस्ट वांट टू कंफर्म कि वो जिंदा भी है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि पॉली रोती हुई बाहर आती है विच क्लियरली शोज कि उसकी बेटी मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी एक आदमी का वेट कर रहा था जिसका नाम है एमिन डगन। सबके यहाँ से जाते ही वो उसे शूट कर देता है। एक्चुअली जो लोग टॉमी को पकड़ कर ले गए थे उन्होंने उसे ये करने के लिए कहा था और इसीलिए टॉमी इतना गुस्सा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टॉमी आर्थर और जॉन के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं पॉली को। यहाँ पे एस्मे पॉली को बता दी कि जिप्सीज ने तुम्हें ट्रिक किया, उन्होंने तुम्हें वही बताया जो कि तुम पहले से बिलीव करती आ रही हो। ये सुन के पॉली शॉक हो जाती है एंड उसे पता चल जाता है कि एस्मे को सब कुछ पता चल गया है। वो उसे कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई कि मैं वहाँ पे गई थी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ शेल्बी ब्रदर्स थोड़ी देर के लिए रुकते हैं एंड यहीं पे टॉमी उस बंदे को बरी कर देता है। इसके बाद फाइनली वो निकल जाते हैं लंदन के लिए। अब वो लोग पहुंच जाते हैं लंदन और जाते हैं एक बार में। तीनों भाई अपनी ड्रिंक्स ले रहे थे तभी एक आदमी इनके पास आता है और कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा बिकॉज यहाँ पे सभी नी गैंग के मेंबर्स भी बैठे हैं जिन्होंने आपको पहचान लिया है और वो चाहते हैं कि आप लंदन से निकल जाएं। लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स कब से डरने लग गए। सो यहाँ पे एक वॉर शुरू हो जाती है। तीनों भाई मिलके पूरी सबीनी गैंग को ढेर कर देते हैं। अब यहाँ के लोगों में पीकी ब्लाइंडर्स का खौफ आ गया था बिकॉज उन्होंने अपने से भी पावरफुल गैंग को ढेर कर दिया। आफ्टर दैट वो तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। एक्चुअली उनका यहाँ पे आने का मेन मकसद यही था कि वो लंदन में अपना खौफ पैदा कर सके। ऑन दी अदर हैंड कैम्बल जाता है मिस्टर चर्चिल के पास और उनसे कहता है अगेन टॉमी को चेस करने की परमिशन देने के लिए। एक्चुअली कैम्बल के अकॉर्डिंग टॉमी को फांसी होनी चाहिए। चर्चिल भी उसे परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ टॉमी जाता है लिजी के पास और उसे जॉब ऑफर करता है अपने ऑफिस में एंड कहता है कि अब तुम्हें बाकी वर्क कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब वो अपना प्रोस्टिट्यूट वाला काम पूरी तरीके से छोड़ सकती है। फिर वो जाता है पॉली के पास और वो उसे बहुत ज्यादा नाराज थी। वो कहती है कि तुमने जो लंदन में किया उसके लिए तुम बाकी आदमियों को भी यूज कर सकते थे पर तुमने अपने भाइयों को चूज किया। वो टॉमी को सबीनी का लेटर दिखाती है, मतलब साफ है कि वो बदला लेने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ एडा को भी सबीनी गैंग के लोग पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे जब टॉमी अपनी कार के पास आता है तो उसपे भी सबीनी गैंग के लोग अटैक कर देते हैं। टॉमी बहुत ट्राई करता है बट उन्हें बीट नहीं कर पाता। जॉन और आर्थर साथ होते ना तो बताते सालों को। अब गैंग का लीडर सबीनी टॉमी के पास आता है और उसका दांत निकलवा देता है। फाइनली वो बस टॉमी को मारने ही वाले थे पर तभी गोली चलती है और वो सभी वहां से भाग जाते हैं। ये था कैम्बल और उसकी बाकी पुलिस फोर्स। उसने टॉमी को बचाया बिकॉज वो उसे तड़पा के मारना चाहता है। सो फाइनली एपिसोड 1 एंड्स हियर। डेफिनेटली पहला एपिसोड ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ कि आप लोग सेकंड एपिसोड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो सेकंड एपिसोड में मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन द चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप। What's up guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 को भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लीजिए बिकॉज उससे पहले आपको एपिसोड नंबर 2 समझ में नहीं आने वाला। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनीमोर लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 2।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टॉमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जस्ट बिकॉज लास्ट एपिसोड के एंडिंग में उसे सबीनी गैंग के मेंबर्स ने मारा था। ऑन द अदर हैंड सबीनी गैंग के मेंबर्स एडा को अपने साथ लेके जा रहे थे, तभी यहाँ पीकी ब्लाइंडर्स आके एडा को बचा लेते हैं। लेकिन इस टाइम एडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी बिकॉज शेल्बी ना होने के बावजूद उसे इतना ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं टॉमी को जो कि हॉस्पिटल में होता है। इसके बाद यहाँ पे कैम्बल आता है और कहता है कि शायद तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए तुम्हारी जान बचाने के लिए। लेकिन टॉमी एटीट्यूड दिखाता हुआ कहता है कि मुझे मेरी सिगरेट पास करो। इसके बाद कैम्बल कहता है कि हमें 3 दिन पहले एक डगन नाम के बंदे की लाश मिली है। जी हाँ, ये वही बंदा है जिसे लास्ट एपिसोड में टॉमी ने मारा था। अब टॉमी पिस का बहाना बना के यहाँ से जाने लगता है, बट कैम्बल कहता है कि मुझे पता है कि उसे तुमने मारा है। तभी टॉमी यहाँ पे ग्रेस की बात छेड़ देता है। वेल अब ग्रेस की शादी हो चुकी है एक बैंकर से जो कि बहुत रिच है। टॉमी कहता है कि एक वुमन से गोली खाना ज्यादा हर्ट करता है एज कम्पेयर टू मैन, एंड ये थोड़ा शेमफुल भी होता है। इससे चिढ़ते हुए कैम्बल टॉमी से कहता है कि मेरी नजरें तुम ही पे हैं, बस एक गलती और तुम गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंकल चार्ली और कर्ली पे। तभी यहाँ पे टॉमी आ जाता है और उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। वो हॉस्पिटल से भाग के आया था बिकॉज वहाँ पे सबीनी गैंग के मेंबर्स आराम से उसे मार सकते थे। अब टॉमी एक बोट का इंतजाम करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे आने तक पॉली इंचार्ज रहेगी, एंड अगर मैं कभी वापस नहीं आता हूँ तो पॉली हमेशा के लिए इंचार्ज रहेगी। वो कर्ली को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद टॉमी लंदन पहुंच जाता है और सबसे पहले जाके मिलता है मिस्टर सोलोमोन से। पहचाना? टॉम हार्डी, वेनम। वेल, यहाँ पे सोलोमोन टॉमी को काइंड ऑफ नीचा दिखा रहा था। वो कहता है कि तुम बर्मिंघम के लोगों के बारे में मैंने कई बुरी बातें सुनी है, क्या तुम लोग टेंट बना के रहते हो? लेकिन टॉमी दिमाग से काम लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। बट सोलोमोन इस पे भी उसका मजाक बना देता है। वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है कि सबीनी के मेंबर्स ने उसे मारा और एक पुलिस मैन ने उसे बचाया। एक्चुअली सोलोमोन को पुलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टॉमी कहता है कि पुलिस सपोर्ट की वजह से यहाँ सबीनी तुमसे आगे है और तुम हारते जा रहे हो। एक्चुअली सबीनी और सोलोमोन कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन अभी भी सोलोमोन उस पे भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि तुम वही हो ना जिसने बिली किम्बर को मारा था, मैं कैसे मान लूं कि तुमने जैसे उसे धोखा दिया वैसे मुझे नहीं दोगे? अब टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें 100 आदमी वो भी वेपन्स के साथ एंड इसके अलावा पुलिस सपोर्ट भी दूंगा। इस पे पहले तो सोलोमोन नखरे कर रहा था, बट टॉमी का एटीट्यूड देख के वो फीका पड़ जाता है और उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद टॉमी जाता है एडा के पास। वो कहती है कि तुम सब अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, एंड अगर फिर से उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो मैं उन्हें इससे उड़ा दूंगी। टॉमी उसे समझाने की ट्राई करता है कि तुम जिस इलाके में रहती हो वो सबीनी का है, एंड वहाँ की पुलिस भी उन्हीं से मिली हुई है। फिर वो उसे घर की चाबी देता है और कहता है कि ये पूरा घर तुम्हारा है, एटलीस्ट एक बार जाके इस घर को देख लेना। वेल, इससे एडा बहुत ज्यादा खुश होती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं सबीनी को। उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है एंड सबीनी उससे कहता है कि क्या अब तुम्हें हर बात बतानी पड़ेगी? जी हाँ, उन्हें पता चल गया है कि टॉमी कैम्पडन टाउन में आया था। अब सबीनी कहता है कि तुम्हारे पास उसकी फोटो है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कैम्पडन टाउन में दिखे उसे मार देना। लेकिन ऑफिसर कहता है कि हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। तो इससे सबीनी गुस्सा हो जाता है और वो ऑफिसर डर के मारे यहाँ से निकल जाता है। अब सबीनी अपने ही आदमी को कहता है कि तुम टॉमी का पता लगाओ और उसे मार दो। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को। वो जैसे ही गैम्बलिंग एरिया पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि टॉमी वापस आ चुका है। फिर आज के दिन पॉली का बर्थडे था, लेकिन वो कहती है कि किसी को मेरे बर्थडे के बारे में नहीं पता है। अब टॉमी उसे ले जाता है एक घर में एंड ये घर पॉली का बर्थडे प्रेजेंट है। आफ्टर दैट टॉमी आर्थर एंड सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो पॉली से कहता है कि मैंने एजमे से बात करी और एजमे ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि एजमे बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है और टॉमी पॉली से प्रॉमिस भी कर देता है कि वो उसके बच्चों को ढूंढ के रहेगा। ये सुन के पॉली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड एडा भी अपने बेबी के साथ उनका नया घर देखने चली जाती है एंड उसे भी अपना घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद टॉमी जाता है लिजी के पास। वो उसे अपडेट्स देती है अबाउट बिजनेस और न्यूयॉर्क से आया एक लेटर भी दिखाती है। इसके अलावा टॉमी को एक लेटर भी लिखना था मिस्टर चर्चिल को, वो ये लेटर लिजी से लिखवाता है। वेल, इस लेटर में उसने डिमांड करी होती है एक एक्सपायर एक्सपोर्ट लाइसेंस की। इस लाइसेंस की हेल्प से टॉमी अपने गुड्स को इंडिया, कनाडा, रशिया एंड पेनिनसुला तक एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब टॉमी अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर चुका है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर तक लड़ चुका है। तो उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए मिस्टर चर्चिल उसे लाइसेंस देने का डिसीजन लेते हैं, बट इस डिसीजन से कैम्बल खुश नहीं था, तो इसीलिए वो टॉमी के लिए एक टेम्पररी लाइसेंस बनवाते हैं। अब टॉमी जाता है मिसेज जॉनसन के पास। एक्चुअली पॉली का बेटा इन्हीं के पास है। इन्होंने उसे बताया कि उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा मारा करती थी और उसे छोड़ दिया गया था, बट रियलिटी ये है कि उसे पॉली की मर्जी के बिना ही उसे अलग कर दिया गया था। उन्होंने उसका नाम हेनरी रखा है। हेनरी वहाँ पे आता है और टॉमी उसे कहता है कि तुम्हारा असली नाम है माइकल ग्रे एंड तुम्हारी असली मदर तुमसे मिलना चाहती है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक बच्चे से फाइट कर रहा होता है एंड वो गुस्से में आकर उसे इतना मार देता है कि वो मर जाता है।
ये न्यूज़ टॉमी को भी मिलती है। वो फिन से इस बारे में पूछता है। फिन बताता है कि आर्थर बिल्कुल पागल हो गया था एंड उसने बहुत ही ज्यादा ब्रूटली उसे मार दिया। फिर टॉमी उसे कहता है कि अगर पुलिस तुम्हें कस्टडी में ले तो ये कहना कि ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद टॉमी आर्थर से मिलता है और कहता है कि उसकी मॉम का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आर्थर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। एक्चुअली वॉर की वजह से उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। वो टॉमी से कहता है कि ये गन मुझसे दूर रखो। अब टॉमी भी गुस्सा होकर कहता है कि क्या मैं फिर से तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करूं? तुम्हें गन एंड रोप से दूर रखना शुरू कर दूं? वॉर में मैं भी गया था और अब ये खत्म हो चुकी है। तुम्हें भी मूव ऑन करना होगा जस्ट लाइक मी। फिर आर्थर भी टॉमी से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। फिर टॉमी उसे शांत करके उसकी गन एम्प्टी कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर मॉस कैम्बल से मिलने जाता है। कैम्बल उसे कहता है कि टॉमी तुम्हें कितना पे करता है। एक्चुअली वो ये पहले से जानता है। इट्स 2 pounds a week, 8 pounds a month एंड सम एक्स्ट्रा चार्जेस व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि जब मैं बर्मिंगम आया था तब तुम एक लॉयल इंसान थे, लेकिन अब तुम भी करप्ट हो चुके हो जस्ट लाइक अदर्स। वो कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे एंड तुम्हें ये पैसे मैं दूंगा। नेक्स्ट सीन में पॉली टॉमी से मिलने जाती है। वो उसे बताता है कि एना मतलब कि उसकी बेटी मर चुकी है। जब वो उससे अलग हुई तब उसे एक स्टेशन मास्टर के घर पे रख दिया गया। उसने एक बार बर्मिंगम आने की भी ट्राई करी थी बट उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया एंड वहाँ पे वो स्प्रिंग फीवर के चलते मर गई। ये सुन के पॉली बुरी तरह टूट जाती है। तभी टॉमी उसे बताता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। ये सुन के पॉली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। टॉमी बताता है कि वो इंग्लैंड में है बट वो उसका एड्रेस नहीं बताता। वो कहता है कि अगर तुम वहाँ पे गई एंड उस औरत पे गुस्सा हुई तो वो पुलिस को बुला लेगी एंड इससे माइकल पे तुम्हारा बैड इंप्रेशन पड़ेगा एंड फिर वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो तुम्हें उसके 18 साल के होने तक का वेट करना होगा। अब पॉली उस पे बहुत गुस्सा करती है एंड उसे एड्रेस बताने को कहती है, लेकिन टॉमी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब टाइम आता है गैरिसन पब की रीओपनिंग का, बट आर्थर यहाँ पे नहीं आया होता है। फिन आर्थर को लेने जाता है बट आर्थर अपसेट था, दैट्स व्हाई वो आने से मना कर देता है। इसके बाद फिन उसे ड्रग देता है नेम बाय टोक्यो एंड ये लेने के बाद आर्थर बुरी तरह चार्ज्ड अप हो जाता है एंड पब की तरफ चला जाता है। यहाँ पे टॉमी को ग्रेस का लेटर मिला होता है बट वो उसे जला देता है। तभी वहाँ पे पॉली आती है बट वो टॉमी से बात नहीं करती। इसके बाद पार्टी में आ जाती है एडा एंड सभी उससे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब टॉमी एडा को पॉली को मनाने के लिए भेजता है, लेकिन पॉली एडा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें टॉमी ने ही भेजा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे चाहिए एड्रेस। फिर वो जाके एक लड़के के साथ डांस करने लगती है एंड उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अब नेक्स्ट डे पॉली अपने घर जा रही होती है एंड बाहर उसे माइकल खड़ा मिलता है। वो एलिजाबेथ ग्रे का एड्रेस पूछता है। एक्चुअली एलिजाबेथ ग्रे पॉली का ही नाम है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो मेरी मॉम है। ये सुन के पॉली शॉक प्लस हैप्पी प्लस इमोशनल हो जाती है एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो हम देख सकते हैं कि टॉमी कितना अच्छा है, वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने जब देखा कि पॉली कितनी ज्यादा उदास है तो वो माइकल को किसी भी तरह यहाँ पे लेके आ गया। वेल डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं लग जाता हूँ एपिसोड नंबर 3 के काम पे। एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन द चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। वेल इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 और 2 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं, बिकॉज उनके बिना डेफिनेटली आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आने वाला। और इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय कीजिए और उसके बाद आ जाना सीजन 2 देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर समय एंड टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कुछ बच्चों को जो कि पपेट शो देख रहे थे। उनके पीछे एक आयरिश मैन खड़ा था एंड तभी एक आदमी आके उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैम्बल और मॉस को एंड वो इस मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने इसका मर्डर किया है वो भी आयरिश था, मतलब कि वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सिविल वॉर। इसके बाद मॉस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कैम्बल उसे अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए कहता है। मॉस कहता है कि आई नो आपके पुराने घर में आपकी काफी बैड मेमोरीज हैं। ये सुन के कैमल भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्यों? तो क्या हो गया कि मैंने मिशन के दौरान फीलिंग्स डेवलप कर ली? और ये बात कान खोल के सुन लो कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ग्रेस की बात हो रही थी। और इसके बाद मॉस यहाँ से चला जाता है। ऑन द अदर हैंड शेल्बी ब्रदर्स इंटरव्यू ले रहे थे कुछ लोगों का जो कि लायक हो उनका काम करने के लिए।
यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो कभी जेल नहीं गया। अब टॉमी उसे समझाता है कि उसे जेल जाना होगा एंड विद इन अ वीक टॉमी उसे निकलवा लेगा एंड इसके लिए उसे 5 क्विड मिलेंगे। ये सुन के वो इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉली माइकल की बहुत ज्यादा केयर कर रही थी जस्ट बिकॉज वो इतने दिनों बाद यहाँ पे आया था। वो पॉली से पूछती है कि टॉमी आखिर क्या काम करता है, आखिर वो इतना रिच कैसे है। पॉली बताती है कि वो हॉर्सेस का काम करता है। वेल माइकल को भी हॉर्स बहुत पसंद है। तभी यहाँ पे शेल्बी ब्रदर्स आते हैं एंड टॉमी आर्थर और जॉन को माइकल से मिलवाता है। उससे मिलके सभी बहुत खुश होते हैं एंड फिर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी मिलता है बिली से और उसे 100 आदमी तैयार करके लंदन भेजने के लिए कहता है। वेल वो इन लोगों को सोलोमन के पास भेज रहा है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसने सोलोमन के साथ डील की थी। आफ्टर दैट माइकल टॉमी से कहता है कि मुझे अपनी मॉम को कॉल लगा के बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन टॉमी उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब यहाँ पे आना। वो कहता है कि मैं बस कुछ वीक्स में 18 साल का हो जाऊंगा एंड खुद के डिसीजन खुद लेना जानता हूँ। टॉमी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं। वेल माइकल जानता है कि वो लोग इलीगल काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली कैम्पडन में पहुंच जाता है 100 आदमियों को लेकर एंड सोलोमन उनका काम चलाओ लाइसेंस बना देता है जिससे कि उन पे किसी का शक ना जाए। वेल सोलोमन का बिजनेस इलीगल है बिकॉज वो रम और विस्की का काम करता है, बट उसने सभी को बता रखा है कि हम यहाँ पे ब्रेड का काम करते हैं। अब यहाँ पे टॉमी सभी को उनका काम समझा रहा था, बट एक आदमी ऐसा जोक बोल देता है कि मुझे तो यहाँ पे कहीं ब्रेड दिखाई नहीं दे रहे। इस पे सोलोमन गुस्सा हो जाता है एंड वो उसके पास खड़े आदमी को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। अब वो उन सभी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 की यहाँ पे ये बात डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी कि हम रम को ब्रेड बोल के सेल करते हैं एंड रूल नंबर 2 की तुम्हारे सीनियर जो भी बातें करते हैं वो भी डिस्कस नहीं होंगी। इसके बाद टॉमी बिली से सभी को काम पे लगवाने के लिए कहता है। इतना कहकर टॉमी यहाँ से निकल जाता है। आफ्टर दैट टॉमी जाता है एडा से मिलने एंड यहाँ पे जाके वो बताता है कि मैं लोगों को रेंट पे रखने का सोच रहा हूँ। इस पे एडा कहती है कि तुम गरीब लोगों को रेंट पे रखोगे जहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी नहीं होगी एंड जब वो लोग कंप्लेन करेंगे तो तुम आर्थर एंड बाकी सभी को भेजकर उन्हें शांत कर दोगे। जी हाँ, भले ही फ्रेडी मर गया बट वो एडा को एक कम्युनिस्ट बना के गया है। वेल इसके बाद टॉमी यहाँ से जा रहा होता है, तभी एडा उसे कहती है कि कुछ कॉपर्स हर टाइम घर पे नजर रखते हैं एंड इससे मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ। टॉमी बताता है कि वो हमारे ही लोग हैं एंड ये सब बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। ऑन द अदर हैंड पॉली माइकल को अपने नए घर में ले जाती है एंड उसे काइंड ऑफ शो करने की ट्राई करती है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं दूसरी तरफ आर्थर के पास वही लेडी आती है जिसके बेटे को उसने मार दिया था, उसके हाथ में गन थी। आर्थर कहता है कि अगर तुम्हें शूट ही करना है तो मेरे हेड को टारगेट करो। वो लेडी शूट करती है बट उसका निशाना चूक जाता है। अब आर्थर उसकी गन एम्प्टी कर देता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें वीकली पे करेंगे। आई नो कि इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा बट तुम्हारे और भी बेटे हैं, हम उन्हें अच्छा काम देंगे। लेकिन वो लेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि पीकी ब्लाइंडर्स को रोकने कोई ना कोई जरूर आएगा। रियली गाइस, इस सीन ने दिल तोड़ के रख दिया। मतलब स्वैग एंड एटीट्यूड अपनी जगह है बट इफ यू हैव लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड इट डजंट मीन दैट यू कैन किल एन इनोसेंट बॉय। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को एंड वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका है। वेल अभी भी उसने ग्रेस की फोटो संभाल के रखी है। वो बाहर हवा खाने जाता है लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है टॉमी से। टॉमी कैम्बल से कुछ बात करना चाहता था बट कैम्बल कहता है कि हमारी मीटिंग संडे को है तो उससे पहले मैं तुमसे नहीं मिलने वाला। लेकिन टॉमी उसे बताता है कि तुम्हारी फोर्स ने जो घर तुम्हारे लिए ढूंढा है उसके लैंडलॉर्ड एक होर है। ये सुन के ऑफकोर्स उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरोल्ड खुद को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं सबीनी को, उसके पास वही आदमी आता है जिसे कि उसने टॉमी को मारने का काम दिया था। सबीनी पूछता है कि क्या तुमने उसे मार दिया। इस पे वो कहता है कि टॉमी को उसके एरिया पे मारना मुश्किल है, उसे यहाँ आने दो एंड देन वी विल डील विद हिम। लेकिन सबीनी गुस्से में आके हैरोल्ड को मारने के लिए कहता है जिससे कि टॉमी के पास मैसेज पहुंच जाए। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को, वो अपनी लैंडलॉर्ड को यहाँ पे बुलाता है एंड उसे पैसे ऑफर करता है टू हैव एस विद हिम एंड वो इसके लिए मान जाती है। अब कैम्बल को कन्फर्मेशन मिल जाती है दैट शी इज एन होर। वेल वो उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि बस कन्फर्म करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सबीनी गैंग के लोग हैरोल्ड को मारने के लिए जाते हैं। वो उन्हें समझाने की बहुत ट्राई करता है दैट ही इज नॉट एन पीकी ब्लाइंडर बट फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं टॉमी को, वो एक आदमी को अरेस्ट होने के लिए कहता है जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि हैरोल्ड को किसने मारा है। वेल उन्हें पता लग गया है कि इसमें सबीनी गैंग का हाथ है। टॉमी कहता है कि हम लाइफ टाइम हैरोल्ड की फैमिली को पैसे प्रोवाइड करेंगे। तभी टॉमी आंट पॉली से परमिशन मांगता है 1000 गिनीज एक हॉर्स पे लगाने की, बट आंट पॉली इसके लिए मना कर देती है। फिर टॉमी आंट पॉली को अपना पूरा प्लान समझाता है। तभी यहाँ माइकल आता है और कहता है कि मुझे भी इनके साथ जाना है जस्ट बिकॉज ही लव हॉर्सेज, बट पॉली इसके लिए मना कर देती है। अब माइकल अपसेट होकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉन पॉली से कहता है कि जब मैं माइकल की एज का था तब मैंने 100 लोगों को मारा था और 1000 लोगों को मरते हुए देखा था। अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए तो वही करो जो कि तुम अभी कर रही हो।
बट इफ़ यू वॉन्ट कि वो यहाँ पे रहे तो उसे हमारे साथ आने दो। आफ्टर दैट हम देखते कि पॉली माइकल को जाने की परमिशन दे देती है एंड उसके लिए सैंडविचेस भी रेडी कर देती है। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं बोली लगाने एंड यहाँ पे टॉमी को एक फीमेल हॉर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। उसके सामने एक लेडी थी जो कि उसी हॉर्स पे बोली लगा रही थी, लेकिन टॉमी को जो चाहिए वो लेके रहता है। वो पूरे 2000 गिनीज में उस हॉर्स को खरीद लेता है। वेल, पॉली से उसने 1000 गिनीज की बात करी थी बट यहाँ पे बात एटीट्यूड पे आ गई थी। इसके बाद वो लेडी टॉमी से आके मिलती है एंड उसका नाम होता है मे कार्ल्टन। उनकी कन्वर्जेशन में हमें पता चलता है कि मे के डैड एक जाने माने हॉर्स ट्रेनर थे एंड उसके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, या शी इज विडो। वो उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। इस पर टॉमी बताता है कि मैं बुरे काम करता हूँ। इसके बाद वो घर पे वापस जा रहे होते हैं बट तभी समीरी गैंग के लोग टॉमी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स उनका खेल खत्म कर देते हैं। टॉमी माइकल से कहता है कि तुमने कुछ नहीं देखा एंड इसके बारे में किसी को मत बताना। आफ्टर दैट माइकल घर आता है बट वो पॉली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। एट लास्ट टॉमी सोचता है मे से कॉन्टैक्ट करने का एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो हमने देखा कि कैसे सबीनी गैंग के लोग टॉमी को मारने ही वाले थे लेकिन फिर भी टॉमी बच निकला। अब टॉमी सबीनी के साथ कैसे डील करेगा एंड इसके अलावा क्या वो मे को बुला लेगा अपने हॉर्स को ट्रेन करने के लिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू न्यू ऑन द चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। पहले से पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो यार आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर पे भी एक कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 का। अगर आपको बार बार वीडियोस चेंज करना पसंद नहीं है तो जाके आप सीधा वही वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम एंड टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैरोल्ड की मॉम उसके पास आई होती है एंड काफी ज्यादा इमोशनल होती है। तभी यहाँ पे टॉमी आता है एंड वो लेडी टॉमी पे गुस्सा निकालने लगती है। देन टॉमी दूसरी लेडी को पैसे देके यहाँ से चला जाता है। वेल, इस मोमेंट पे टॉमी भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी जाता है कैंबल के पास बिकॉज कैंबल ने टॉमी को मीटिंग के लिए बुलाया था। यहाँ पे टॉमी को वही दोनों एजेंट्स मिलते हैं जिन्होंने उसे मर्डर करने का काम दिया था। अब टॉमी समझ जाता है कि ये सारा प्लान कैंबल का था, यानी कि टॉमी का पब उड़ना, उसका उस आदमी को मारना, ये सारा प्लान कैंबल का ही था। अब जब टॉमी को पता चलता है कि ये एजेंट्स कैंबल के नीचे काम कर रहे हैं तो वो इनकी अच्छी तरह बेइज्जती कर देता है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह। कैंबल माहौल को शांत करता है और टॉमी को एक मिशन देता है बट इसमें ये एजेंट्स इसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे और ना ही कैंबल पे कोई नाम आना चाहिए। ये सब देखते हुए टॉमी मना करके जाने लगता है। फिर कैंबल बाहर आता है और टॉमी से कहता है कि याद है ना अपने एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में। जी हाँ, अगर टॉमी ना कहता है तो कैंबल उसका लाइसेंस एक्सपायर करवा देगा। अब टॉमी कैंबल से कहता है कि अंदर जो आदमी बैठा है वो एक स्पाई है। कैंबल कहता है कि मैंने इन दोनों के रिकॉर्ड चेक कर रखे हैं एंड इन दोनों में से कोई भी स्पाई नहीं है। टॉमी कहता है कि मेरे आदमी वहाँ तक फैले हुए हैं जहाँ तक तुम्हारे आदमी नहीं पहुँच सकते। तो अब टॉमी कैंबल को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है एंड जब कैंबल ये पता लगा लेगा तो टॉमी उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट सीन होता है लंदन में कैमडन टाउन का। यहाँ पे आर्थर अपने लोगों के साथ सबीनी के क्लब में जाता है एंड बुरी तरह तोड़ फोड़ मचा देता है। वो उसके मैनेजर से कहता है कि ये क्लब अब सबीनी का नहीं है बल्कि अब इसे पीकी ब्लाइंडर्स रूल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोनल्ड हेनरी की लाश को, जिसे कि टॉमी ने कैंबल को मरवाने के लिए कहा था, मतलब कि टॉमी सही था, ही वॉज एन स्पाई। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, वो उस फाइल को देख रहा था जो कि कैंबल ने उसे दी थी। पहले उसका नेक्स्ट मिशन है हेनरी रसल को मारने का। तभी यहाँ पे माइकल आ जाता है और टॉमी से अकाउंटेंट की जॉब मांगता है बट टॉमी बताता है कि वैकेंसी अब फुल हो चुकी है। माइकल कहता है कि तुम लास्ट 6 महीनों में 6 अकाउंटेंट बदल चुके हो, मतलब साफ है कि टॉमी को अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। माइकल कहता है कि पॉली ने उसे कहा है कि तुम 2-3 साल के अंदर अपना 80% बिजनेस लीगल करना चाहते हो। वेल, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं फ्राइडे को 18 साल का हो जाऊंगा एंड देन आई कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस। देख रहे हो ना, बाप को बिजनेस करना सिखा रहा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि मे टॉमी से मिलने आती है बिकॉज टॉमी चाहता था कि वो उसके हॉर्स को ट्रेनिंग दे, लेकिन टॉमी अभी यहाँ पे नहीं होता। वो जब तक एजमे से बात करती है तब तक टॉमी यहाँ पे आ जाता है। फिर उनके बीच कुछ बातें होती है और वो आ जाते गैरिसन पब में। अब टॉमी मे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो, मींस क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हुई एंड नाउ यू वांट मी टू एफ यू। बट वो क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे आई है बिकॉज टॉमी उसे अच्छे खासे पैसे दे रहा है टू ट्रेन हिज हॉर्स। तभी फिन यहाँ पे आके उन्हें इंटरप्ट कर देता है।
मे पूछती है कि तुम अपने हॉर्स का क्या नाम रखोगे। टॉमी बोलता है ग्रेसेस सीक्रेट। इसके बाद टॉमी जाता है पॉली के पास एंड पॉली उसे बताती है कि मैंने माइकल को कह दिया कि वो इस जॉब के लायक नहीं है। टॉमी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये जॉब किसी और को दे दूंगा एंड वो ज्यादा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड है। टॉमी बोलता है कि इससे होगा यही कि माइकल लंदन चला जाएगा एंड वहाँ के किसी ऑफिस में उसे जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे वो किसी लड़की से शादी कर लेगा एंड तुम्हें पूरी तरीके से भूल जाएगा। इससे पॉली भी टेंशन में आ जाती है। अब टॉमी कहते हैं कि उसे मेरे पास जॉब करने दो एंड उसने जो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस बंदे की बात की थी वो झूठ है। पॉली भी टॉमी के इस डिसीजन से एग्री करती है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि शेल्बी ब्रदर्स ने माइकल के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी होती है। यहाँ पे टॉमी उसे एक वॉच भी गिफ्ट करता है जिससे कि वो जॉब के लिए लेट ना हो। नेक्स्ट डे टॉमी जॉन, आर्थर एंड पॉली को बुलाता है नई स्कॉच विस्की ट्राई करने के लिए। उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर टॉमी बताता है कि ये हमारा नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, हम इसे ऑल ओवर अमेरिका एंड कैनेडा में फैलाएंगे एंड देयर फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट। आफ्टर सम टाइम टॉमी फिर से लंदन आया होता है एंड वो ईडन क्लब में जाता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है कि आर्थर काम को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो देखते हैं कि रिकॉर्ड बुक में 600 पाउंड्स का घपला है। आर्थर कहते हैं कि ओलिव्स एंड अनियन खरीदने में कुछ खर्चा आया होगा। देन टॉमी बताता है कि ये टोटल 600 पाउंड्स का घपला है। मतलब साफ है कि आर्थर ने ड्रग्स जैसी चीजों पे घपला किया है। अब टॉमी बताता है कि हम डायरेक्ट ड्रग्स सेल नहीं करते बल्कि डीलर से कट लेते हैं, तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि पुलिस की नजर हम पे पड़ जाए एंड अगर तुम सीरियसली काम नहीं करते हो तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लंदन का काम जॉन को देना पड़ेगा। बट आर्थर कहता है कि ऐसा मत करो, सब कुछ कंट्रोल में। इसके बाद वो प्रॉफिट देख के खुश होते हैं, मतलब कि उनका बिजनेस नो डाउट तबाही मचा रहा है। फिर टॉमी जाता है हेनरी रसल के घर के पास। वो चेक कर रहा था कि किस टाइम पे वो हेनरी को मार सकता है। तभी यहाँ पे एक गार्ड आके उसे जाने को कहता है। आफ्टर दैट वो जाता है एडा के घर पे। यहाँ पे उसे एक लड़का दिखता है। एडा बताती है कि ये उसके पास रेंट पे रहता है। अब टॉमी उस लड़के को देख रहा था एंड तभी एडा कहती है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ही इज एन गे। फिर टॉमी उसे यहाँ से जाने को कहता है बिकॉज ही वॉन्ट टू टॉक विद एडा। वो एडा से कहता है कि मैंने एक ट्रस्ट फंड खोला है एंड इसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। वो कहता है कि मेरे तो कोई बच्चे नहीं है पर तुम्हारे और जॉन के हैं, सो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। एडा पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। टॉमी कहते हैं कि मैं वही कर रहा हूँ जो कि एक ऑर्डिनरी मैन अपनी फैमिली के लिए करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबीनी सोलोमोन से मिलने के लिए आता है। यहाँ पे सोलोमोन उससे नाराज होता है जस्ट बिकॉज सबीनी की वजह से सोलोमोन के बिजनेस में काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस लग रखी होती हैं। सबीनी बोलता है कि हमारी दुश्मनी के बीच में तुम्हें किसी आउटसाइडर को नहीं लाना चाहिए। इसके बाद सबीनी सोलोमोन के साथ हाथ मिला लेता है एंड अब इटालियंस और ज्यूज खड़े हो जाते हैं जिप्सीज के खिलाफ, यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स। इसके बाद टॉमी जाता है मे के घर पे। वेल यहाँ पे वो अपनी कार के लिए इंजन ऑयल मांगता है। मे बताती है कि शायद इंजन ऑयल अवेलेबल होगा पर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए टॉमी आज यहीं पे रहने का डिसीजन लेता है। बातों बातों में मे थोड़ी इमोशनल हो जाती है। टॉमी उसे सपोर्ट देता है एंड रात के टाइम पे वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल अपने फ्रेंड के साथ पब में जाता है बट उसका फ्रेंड ब्लैक था तो पैडी नाम का बंदा उसे मारने लग जाता है। फिर उन सभी के बीच फाइट हो जाती है। अब पैडी उन पे भारी पड़ रहा था तभी काउंटर पे बैठा आदमी बताता है कि ये पॉली का बेटा है, ही इज एन पीकी ब्लाइंडर। ये सुन के उन सभी की हवा निकल जाती है और वो सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जाते हैं आर्थर और जॉन के पास। वो इस इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं एंड कंपनी की गुडविल के लिए जॉन और आर्थर जाके उस बंदे के साथ पब को जला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को। वो जाता है कैम्बल से मिलने। यहाँ पे कैम्बल कहता है कि 3 वीक्स के बाद उसे हेनरी रसल को मारना होगा एंड अगर कोई पुलिस वाला मर जाता है तो टॉमी पे इंजाम नहीं आएगा। वेल टॉमी कहते हैं कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है बिकॉज वो पहले भी उसे धोखा दे चुका है। वो बताता है कि मैंने अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को छोड़ रखा है एंड अगर मुझे कुछ होता है तो वो तुम्हें भी मार देंगे। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। आफ्टर दैट टॉमी अपने घर पे आता है एंड एक लेटर के थ्रू किसी को कॉल लगाता है। एक आदमी कॉल पिक करता है एंड टॉमी कोई आंसर नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी ग्रेस का हस्बैंड है एंड टॉमी ने ग्रेस को ही कॉल लगाया था एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सोलोमोन टॉमी के अगेंस्ट हो गया। इसके अलावा टॉमी और मे भी थोड़ा सा क्लोज आए लेकिन अब दिक्कत ये है कि उसने ग्रेस को भी कॉल लगा दिया। तो आखिर टॉमी चाहता क्या है, वो मे के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है या फिर ग्रेस को वापस लाना चाहता है? इस इंसान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वेल आगे क्या होने वाला है ये तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। बट इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।
What's up guys, welcome back to our channel और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट भी बिल्कुल रेडी है, आराम से जाइए और एंजॉय कीजिए। वेल एपिसोड नंबर 5 के बाद बस एक ही एपिसोड रह जाएगा एक्सप्लेन करने को एंड इसके बाद सीजन 2 भी खत्म हो जाएगा और नई सीजन 3 लाने में मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज सीजन 1 के बाद सीजन 2 में काफी ज्यादा लेट लाया। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनीमोर लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्थर बिली और बाकी सभी के साथ सोलोमन के पास आया होता है। ऑन द अदर हैंड सबीनी और कैम्बल भी रेडी हो रहे होते हैं फॉर समथिंग। अब आर्थर यहाँ पे बैठा होता है एंड सोलोमन गेट्स बंद करवा देता है। बिली उसे कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सोलोमन कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन आर्थर उसे शांत करवा देता है। अब सोलोमन बताता है कि हम एक रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हम एक बकरी की बलि देंगे अपने एनिमी के नाम पे। वो उस गॉड को नाम देता है थॉमस शेल्बी एंड फिर बिली को मार देता है। तभी यहाँ पे सबीनी अपनी टीम के साथ पहुंचता है और सभी लोगों के फेस पे कट मार देता है। वो लोग आर्थर को भी बुरी तरह मारते हैं। फिर यहाँ पे पुलिस आती है और आर्थर को ले जाती है। जी हाँ, ये सबीनी और सोलोमन का प्लान था। ऑन द अदर हैंड पॉली के घर पे भी पुलिस आती है एंड माइकल को अपने साथ ले जाती है। पॉली उन्हें रोकने की ट्राई करती है एंड माइकल से कहती है कि टॉमी तुम्हें जल्द ही निकाल लेगा। इस पे कैम्बल कहता है कि टॉमी अब फिनिश होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि इन सबसे अनजान मे के साथ होता है। तभी उसे कॉल आता है एंड वो सीधा कैम्बल के पास पहुंच जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कैम्बल से कहता है कि हमारे बीच डील हुई थी। कैम्बल उसे कहता है कि तुम्हारे भाई आर्थर ने बिली किचन का मर्डर किया है, इसीलिए उसे फांसी होने वाली है। और पॉली के बेटे माइकल ने आर्थर के साथ मिलकर पब जलाया है, इसी वजह से उसे 5 साल की जेल होगी। अब टॉमी उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए उस फील्ड मार्शल को मार रहा हूँ। कैम्बल कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज मैंने जो तुम्हें डेट बताई है उसी दिन मुझे फील्ड मार्शल डेड चाहिए। एंड एज वी ऑल नो टॉमी मरने से नहीं डरता, इसीलिए कैम्बल ने उसकी फैमिली को शिकार बनाया। बस इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉमी अपने ऑफिस जाता है एंड यहाँ पे उसे ग्रेस का कॉल आता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने कॉल किया था, जब से तुम्हारा कॉल आया है मैं ढंग से सो नहीं पाई हूँ। वो टॉमी से पूछती है कि क्या हम मिल सकते हैं, पर टॉमी कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पहले ठीक करनी है। फिर टॉमी आता है फैमिली मीटिंग में। यहाँ पे जॉन उसे बताता है कि पुलिस ने उनके 10 लोगों को कैमडन टाउन में पकड़ लिया है एंड बाकियों की सर्चिंग चल रही है। इसके अलावा उनकी वेयर हाउसेस पे पुलिस ने रेड मार दी एंड लॉक कर दिए। ईडन क्लब और बाकी जितने भी क्लब थे जो कि पीकी ब्लाइंडर्स ने अपने अंडर ले लिए थे, उन्हें वापस से सबीनी और सोलोमन को दे दिया गया। इसके अलावा ब्लैक्स को पुलिस ने ये बताया कि बिली को आर्थर ने मारा है, तो अब वो उनसे भी ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉली माइकल को बाहर निकालने के लिए कह रही थी और टॉमी गुस्से में कहता है कि बिजनेस फर्स्ट। इससे तंग होकर पॉली बोलती है कि जब भी माइकल बाहर निकलेगा मैं उसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। ये कह के वो फिन को भी अपने साथ लेके चली जाती है। अब एज्मे टॉमी को बताती है कि उसने ली फैमिली की क्वीन मैरी से कुछ आदमी मांगे हैं। फिर एज्मे जॉन को यहाँ से भेज देती है एंड टॉमी से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए फ्रांस में एंड आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करे। बट टॉमी इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे जॉन भी जाएगा, हम भाइयों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि एज्मे ने अगर अगली बार ऐसी कोई बात करी तो वो उसे इस फैमिली से बाहर निकाल देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉली कैम्बल के पास जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे माइकल को देखने के लिए आई हूँ। कैम्बल कहता है कि अगर मैंने टेबल पे पड़े पेपर्स पे साइन कर दिया तो कल सुबह तक माइकल फ्री हो जाएगा। पॉली कहती है कि तुम इसे साइन कर दो एंड बदले में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। कैम्बल कहता है कि तुमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास है, अगर तुम माइकल को फ्री करना चाहती हो तो तुम्हें और कुछ करना होगा। यस ही वॉन्ट टू बी फिजिकल विथ हर। माइकल को फ्री करवाने के लिए वो मान जाती है बट यहाँ पे कैम्बल उसे जस्ट लाइक एन होर ट्रीट करता है। इसके बाद पॉली एडा के घर पे होती है। एडा यहाँ पे आके उसे बताती है कि उसने जेम्स से बात कर ली है एंड जेम्स ने लॉयर से बात कर ली है, हम जल्दी आर्थर और माइकल को बाहर निकलवा लेंगे। पॉली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, माइकल कल सुबह तक बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे पॉली बहुत ही ज्यादा सैड होती है। इससे एडा समझ जाती है कि पॉली ने इसके लिए क्या किया है। नेक्स्ट डे माइकल बाहर आ जाता है बट वो पॉली से बिल्कुल भी खुश नहीं होता बिकॉज उसे पता चल गया है कि पॉली ने इसके लिए क्या किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस टॉमी से मिलने आई होती है। यहाँ पे टॉमी उसे कहता है कि मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा, फिर हम पुराने पल याद करेंगे एंड देन वी विल बी फिजिकल, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब तुम बस एक ड्रिंक पियो और यहाँ से निकलो। इससे ग्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि तुमने मुझे बुलाया,
तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम एक ड्रिंक के बाद मेरे साथ बेड पे जा सकते हो? इस पे टॉमी बताता है कि ये बस उसका ड्रामा था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि पूरी रात बस इसी डिस्कशन में निकल जाए। तो उसने पहले ये कंफर्म कर लिया कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है और यहाँ पे फिजिकल होने नहीं आई है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चार्ली चैपलिन पसंद है, एंड उसे चार्ली चैपलिन से मिलवाने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो कैमल को बता देता है कि वो आज ग्रेस के साथ है, एंड ऑफ कोर्स इससे कैमल के सीने में आग लग जाती है। आफ्टर दैट वो दोनों इंटीमेट होते हैं, एंड फिर टॉमी उससे यहाँ पे आने का रीजन पूछता है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड और वो बेबी की ट्राई कर रहे हैं, एंड फिलहाल के लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि इसमें ग्रेस की गलती है, तो इसका मतलब साफ है कि ग्रेस यहाँ पे प्रेग्नेंट होने आई थी। अब टॉमी उससे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी सीक्रेट एजेंट हो? इस पे वो टॉमी को स्लैप करती है और कहती है कि मैंने कभी भी अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोला है। टॉमी कहता है कि तो उसे ये भी सच बता देना कि ये बच्चा मेरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन आर्थर से मिलने आता है। वो उसके हालचाल पूछता है और आर्थर कहता है कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं, बट जॉन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें बाहर निकलवा लेंगे। आर्थर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें टॉमी ने कहा है, अगर वो इतना क्लेवर है तो हमारी इतनी सारी विस्की और हमारे कई सारे आदमी कैसे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अब जॉन उसे शांत करवाता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स का एक आदमी फील्ड मार्शल के घर के पास आता है और वहाँ पे खड़े गार्ड का ध्यान भटकाने लगता है। तभी जॉन यहाँ पे बॉम्ब डाल के निकल जाता है, एंड होता है एक बहुत बड़ा धमाका। इसके बाद टॉमी मे के पास जाता है और उससे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ रोकना होगा, बिकॉज मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वेल, मे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो टॉमी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, बट एट द एंड वो टॉमी से कहती है कि मेरे लिए सॉरी फील मत करो। फिर हम देखते हैं कि कैमल टॉमी से मिलने उसके ऑफिस आता है, एंड फिर टॉमी भी यहाँ पे आ जाता है। कैमल कहता है कि कल मार्शल के घर पे एक ब्लास्ट हुआ, एंड अब वो अपना घर शिफ्ट कर रहा है, एंड मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा काम है। टॉमी कहता है कि तो अब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हम उसे नहीं मार सकते, तो अब मैं उसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग मारूंगा। मैं उसे वहां मारूंगा जहाँ पे तुम्हारे लोग मुझे ना मार सके, बिकॉज मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने ये प्लान मुझे मारने के लिए बनाया है। वो कहता है कि मैं उसे हॉर्स रेस के दिन मारूंगा। फिर वो उसे अपना हॉर्स दिखाता है जिसका नाम होता है ग्रेसेस सीक्रेट, एंड ये देख के ऑफकोर्स कैम्बल जल जाता है, एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो अब टॉमी आर्थर को कैसे बाहर निकालेगा, इसके अलावा वो सबीनी को कैसे बीट करने वाला है, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड 6th एपिसोड है, मतलब कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड, तो डेफिनेटली ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि टॉमी इतनी सारी मुसीबतों का एक साथ सामना कैसे करने वाला है। वेल, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन अवर चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के बारे में, यानी कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले हम 5 एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार वीडियोस बदलना पसंद नहीं है तो हमने अपने दूसरे चैनल फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर पे सभी एपिसोड्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो सीधा जाके उसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी को लेटर लिखते हुए देखते हैं। वो लिखता है कि मेरा नाम थॉमस शेल्बी है और आज मैं एक मर्डर करने वाला हूँ। ये मर्डर होगा फील्ड मार्शल का और इसमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। मुझे ये करने के लिए ऑफिसर चेस्टर कैमल ने कहा है। चेस्टर कैमल ने मुझे इसके लिए फोर्स किया है और अगर मैं उसे मारूंगा तो बेशक वो भी मुझे मार देंगे। तो अगर आपके पास ये लेटर पहुंचता है मतलब कि मैं मर चुका हूं। इसके बाद वो एडा को यहां पे बुलाता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस लेटर को पोस्ट कर देना। फिर वो जेम्स को भी अपने साथ लेके चला जाता है। एडा उन्हें रोकने की ट्राई करती है बट वो उसकी बात नहीं सुनते। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि आर्थर को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि टॉमी जेम्स के साथ सोलोमोन के पास आया है, बट जेम्स अंदर नहीं आ सकता। अंदर जाते वक्त टॉमी अपनी शूलेस बांधता है और उसके बाद सोलोमोन के पास आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोलोमोन की वजह से ही आर्थर जेल से बाहर निकला है। इसके बदले में टॉमी सोलोमोन को अपना 20% एक्सपोर्ट बिजनेस देने वाला है, लेकिन सोलोमोन पूरा 100% बिजनेस हड़पने की फिराक में है और अगर टॉमी इसके लिए नहीं मानता तो वो उसे मार देगा। अब टॉमी रिवील करता है कि उसने शूलेस बांधने के बहाने एक हैंड ग्रेनेड फिट कर दिया है, एंड अगर उसे कुछ भी होता है तो एक लड़का बाहर खड़ा है जिसके हाथ में एक रिमोट है। सो नाउ यू नो कि टॉमी क्या कहना चाहता है। इसमें सोलोमोन 65% की डिमांड करता है। फिर टॉमी उसे ग्रेनेड की पिन भी शो करता है जिससे कि क्लियर हो जाता है कि ही इज नॉट लाइंग। अब सोलोमोन 45% की डिमांड करता है और टॉमी उसे 35% तक ले आता है। फिर डील फाइनल करके टॉमी बाहर आता है और यहाँ पे आर्थर भी उसका वेट कर रहा था। टॉमी उसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो सभी रेस के लिए निकल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम फोन को रिंग होता हुआ देखते हैं
एंड माइकल उसे पिक करता हुआ कहता है कि टॉमी यहाँ पे नहीं है, वो इप्सम में हो रही रेस में है। तभी यहाँ पे पॉली आती है और उसे पैसे देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से लंदन चले जाओ और अगर मैं वापस आती हूँ तो तुम संडेस को यहाँ पे विजिट करने आ सकते हो। मतलब साफ है कि पॉली माइकल की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को, वो रेड राइट हैंड के लोगों के पास जाता है और उन्हें टॉमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स को। यहाँ पे टॉमी सभी को बताता है कि 3 बजे मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बाद सारी पुलिस का ध्यान भटक जाएगा एंड उस टाइम तुम सभी ने के सारे लाइसेंस जला देना और हाँ याद रहे 3 बजे से पहले कोई कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद टॉमी जाके मे से मिलता है, वो कहती कि तुम आराम करो मैं रेस खत्म होने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। टॉमी कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि हम आज हारेंगे या फिर जीतेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा। वो कहता है कि अगर रेस के बाद सब कुछ ठीक रहता है तो मैं तुमसे आके मिलूंगा। मतलब साफ है कि टॉमी कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा रिस्की करने वाला है। फिर यहाँ से जाने से पहले वो उसे किस भी करता है, भाई ये चाहता क्या है, ग्रेस या मे। इसके बाद टॉमी फील्ड मार्शल का पीछा करने लगता है पर तभी यहाँ पे ग्रेस आ जाती है और वो टॉमी से कहती है कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता दिया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि उससे। इस पर टॉमी कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, फिर वो ग्रेस को वेट करने के लिए कहता है एंड यहाँ से चला जाता है। अब टॉमी जाता है लिजी के पास और उसे मार्शल को बहलाने के लिए कहता है। लिजी कहती है कि तुमने कहा था कि अब ये काम मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। टॉमी कहता है कि ये लास्ट टाइम होगा एंड तुम्हें बस उसे बिजी रखना है, मैं स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पे पहुंच जाऊंगा और सब कुछ संभाल लूंगा। लिजी ना चाहते हुए भी मान जाती है। फिर वो टॉमी से एक चौक लेके मार्शल को सिग्नल देती है जिससे कि वो उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी एंड कैम्बल को। यहाँ पे कैम्बल उसे कहता है कि क्या तुम बिजी नहीं रहने वाले। टॉमी बोलता है कि जब तुम्हारा प्लान अच्छा हो तो तुम्हें रश करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कैम्बल उसे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ग्रेस एक होर है जिसका बस तुमने फायदा उठा लिया। टॉमी समझ जाता है कि कैम्बल बस उसे टीज करना चाहता है। फिर टॉमी इसका काउंटर करते हुए कहता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि हम जैसे लोगों को कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, पर ग्रेस ने कहा दैट शी लव मी, मतलब कि वो मुझसे प्यार करती है और तुम्हें तो उसने गोली मार दी पैर में। डेफिनेटली ये सुन के कैम्बल अंदर से जल जाता है। अब टॉमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पॉली और माइकल के साथ क्या किया, आज या तो तुम मरोगे या मैं, और इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिजी को और यहाँ पे मार्शल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। टॉमी यहाँ पे आ रहा था बट पुलिस वाले कहते कि इस रास्ते से किंग आने वाला है तो उसे अपना रूट चेंज करना पड़ता है। फिर टॉमी यहाँ पे आता है और मार्शल पे गन चलाता है लेकिन उसकी गन में बुलेट्स नहीं होती। वो मार्शल टॉमी पे भारी पड़ रहा था लेकिन जैसे तैसे टॉमी उसे उसी की गन से मार देता है। फिर लिजी उस पे गुस्सा होती है कि वो आखिर कहाँ पे था, लेकिन टॉमी उसे अभी के लिए यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो बाहर जाके पुलिस वालों को कहता है कि मैंने यहाँ पे आयरिश आदमियों की आवाज़ सुनी एंड साथ में मुझे गन शॉट की भी आवाज आई, आप जाके देखो वहाँ पे एक ऑफिसर मरा पड़ा है। इसके बाद हम देखते कि किंग यहाँ पे आ रहे थे और पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए चली जाती है। तभी पीकी ब्लाइंडर्स जाके सबीनी के सारे लाइसेंस जला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी से सबीनी मिलने आता है। टॉमी उसे कहता है कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि तुम पुलिस पे हद से ज्यादा बिलीव करते हो। उनकी नजरें हटते ही पीकी ब्लाइंडर्स ने तुम्हारे सारे लाइसेंस जला दिए। ये सुन के सबीनी अपनी गन निकालने वाला होता है और टॉमी उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सबको यही लगेगा कि तुम किंग के लिए एक खतरा हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुमने सबीनी को झूठा प्रॉमिस किया कि उसका हॉर्स भी इप्सम की रेस में आएगा, पर तुमने वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया जिसकी वजह से अब हम दोनों फिर से एक साथ आ गए हैं। अब सबीनी खुद को रोक नहीं पाता और टॉमी पे अटैक करने लगता है। तब यहाँ पे पुलिस आती है और टॉमी को पकड़ के ले जाती है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये पुलिस नहीं बल्कि रेड राइट हैंड के लोग हैं। अब ये टॉमी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मे ग्रेस के पास आती है। वेल ग्रेस तो मे को नहीं जानती पर मे उसे पहचान लेती है। वो बताती कि मैं टॉमी के होस्ट को ट्रेन करती हूँ। उनकी थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन के बाद ग्रेस को पता चल जाता है कि वो भी टॉमी को लाइक करती है। ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मे कहती कि वही जो तुम्हें चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को। वो कॉल पे आज हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में अपडेट्स दे रहा होता है। तभी पॉली यहाँ पे आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि टॉमी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आए हुए हो। फिर कैम्बल उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है पर दिस टाइम पॉली उसे मार देती है। इसके बाद लिजी बैठ के रो रही थी लेकिन जॉन यहाँ पे आके उसे मोटिवेट करता है। वेल जॉन आज भी लिजी से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर लिजी कहती कि मुझे तुम्हारी आंखों में वो नहीं दिखता जो कि टॉमी की आंखों में दिखता है। मीन्स लिजी लव टॉमी, व्हाट द हैक। ग्रेस लव टॉमी, मे लव टॉमी, नाउ लिजी ऑल्सो लव टॉमी एंड टॉमी लव, आखिर किसके पास जाएगा एंड में। वेल जाएगा तो तब ना जब जिंदा बचेगा। फिलहाल के लिए तो रेड राइट हैंड के लोगों से ले गए हैं।
यहाँ पे वो टॉमी को एक सुनसान इलाके में ले आते हैं और उसके लिए कब्र भी खोदी जा रही थी। अब टॉमी अपनी लाइफ की आखिरी सिगरेट पीता है एंड फिर मरने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एक आदमी टॉमी को ग्रेव में पुश करके बाकी दोनों को मार देता है और टॉमी से कहता है कि मिस्टर चर्चिल के पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। जी हाँ, टॉमी की लाइफ मिस्टर चर्चिल ने बचाई है। अब टॉमी वापस जा रहा होता है एंड फर्स्ट टाइम हम उसे रोते हुए देखते हैं। जी हाँ, ये वही आइकॉनिक सीन है जो कि मीम्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स सेलिब्रेट कर रहे थे एंड टॉमी जाता है अपने ऑफिस की तरफ। यहाँ पे वो माइकल को उठाता है और उससे पूछता है कि वो वापस जाने वाला है या फिर टॉमी के साथ काम करने वाला है। माइकल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ एंड आई वांट टू मेक रियल मनी। फिर टॉमी कहता है कि मैंने पीकी ब्लाइंडर्स के लिए कुछ बढ़िया सा सोच रखा है, बट उससे पहले मैंने सोचा है कि शादी कर लूं। एंड दिस एपिसोड प्लस सीजन 2 एंड्स हियर। तो क्या लगता है टॉमी ने क्या सोचा होगा पीकी ब्लाइंडर्स के लिए और वो किससे शादी करने वाला है? देखो, अगर वो जिंदा बच गया है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो वो ग्रेस से ही शादी करने वाला है, बिकॉज फिलहाल के लिए तो ग्रेस ही प्रेग्नेंट है और उसके पेट में टॉमी का ही बच्चा है, तो डेफिनेटली टॉमी उसी से शादी करेगा। तो स्टार्टिंग के 2 सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो फिर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 3rd सीजन की स्टार्टिंग कैसे होती है। और जी हाँ, जल्द ही मैं 3rd सीजन आपके सामने लाने वाला हूँ। So if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.